Hey, welcome back to our channel. In this video, I will share with you how to quick set up your phone. यानी कि इस फोन को खरीदने के बाद या रीसेट करके सेटअप कैसे करें। तो सबसे पहले पावर बटन दबा के फोन को बूट करना होगा। डिवाइस ऑन होते ही MIUI 13 का लोगो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ग्रेटर देन साइन पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। चूज लैंग्वेज, इस फोन को किस भाषा में आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी से लेकर बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज दी गई है। नेक्स्ट इंक्रीज टेक्स्ट साइज पे टैप करके इसका टेक्स्ट साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चूज योर रीजियन, अब अपना कंट्री सिलेक्ट करिए। इसके बाद चूज कीबोर्ड सेटिंग्स में जीबोर्ड या कीबोर्ड फॉर Xiaomi में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद Xiaomi का कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। इंसर्ट सिम कार्ड, अब इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करना होगा। चाहे तो फ़ोन सेटअप कंप्लीट करने के बाद सिम कार्ड डाल सकते हैं। कनेक्ट टू नेटवर्क, अगर आपके घर में वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तो उस वाईफाई नेटवर्क के साथ अपना डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गूगल सर्विस का प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा या नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पैटर्न, पासवर्ड और फेस लॉक को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स, इसमें लोकेशन, सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा और पर्सनलाइज एड, ग्लैंस फॉर MI, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को डिजेबल कर दीजिए, नहीं तो आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस हिसाब से एड्स दिखाएगा। एग्जाम्पल, कौन से ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, किस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस टाइप के ऐड आपको दिखाया जाता है। तो सिंपली इन सभी ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दीजिए। इनमें से अगर आप लॉक स्क्रीन पे ऑटो वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो ग्लैंस फॉर MI ऑप्शन को टर्न ऑन कर सकते हैं। सिलेक्ट डिफॉल्ट लॉन्चर, लास्ट टाइम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से किसको आप होम स्टाइल में सेट करना चाहते हैं, तो मैं ऐप डोर को चुन लेता हूँ। चाहे तो आप क्लासिक भी रख सकते हैं। सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक, मतलब हमारा डिवाइस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना डिवाइस को क्विक सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।